हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम आइडियाज़। आज मैं लेकर आया हूँ एक और छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्ट जिसका नाम है डोरबेल या म्यूज़िकल बेल। आप इसको एज ए डोरबेल भी यूज़ कर सकते हो, एज ए म्यूज़िकल बेल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कोई सिक्योरिटी सिस्टम में बेल लगाना चाहते हो नोटिफिकेशन के लिए, वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। वाटर लेवल इंडिकेटर के अंदर, जैसे पानी का अलार्म वगैरह हो गया, पानी भरने के बाद जो अलार्म बजता है, वहाँ भी इस सर्किट को आप क्या यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही स्मॉल छोटा सा सर्किट है जो कि सिर्फ 3-4 कंपोनेंट से ही मिलकर बना है। आप इसको इजीली बना सकते हो और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, साइंस प्रोजेक्ट स्कूल के लिए। 9 वोल्ट की बैटरी से ऑपरेट होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। देखिए कितनी अच्छी आवाज़ है इसकी। आवाज आ रही होगी आपको, बंद कर देते हैं इसको। तो देखने कितनी अच्छी मेलोडियस सॉन्ग या मेलोडियस बेल है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए मैं अब बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्केमेटिक, इसको साइड कर देते हैं। तो स्केमेटिक देखने से पहले हम देखते हैं कि ज़रूरत क्या है इसको बनाने के लिए। तो इसका मेन पार्ट है UM66, जो कि एक IC है जिसके अंदर म्यूज़िकल नोट्स हैं। जैसे ही आप इसको सप्लाई देते हैं, म्यूज़िकल नोट्स जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो पार्ट लिस्ट में देखते हैं। एक हमें IC चाहिए, UM66 IC, एक क्वान्टिटी BC187 ट्रांसिस्टर चाहिए जो कि NPN ट्रांसिस्टर है। दूसरा हमें स्पीकर चाहिए 8 ओम का छोटा स्पीकर, एक क्वांटिटी। कुछ हमें PCB और वायर्स चाहिए जिनके ऊपर हमें कंपोनेंट्स को सोल्ड करेंगे। और पांचवा कंपोनेंट है 1 किलो ओम का 1/4 वाट का रेसिस्टर। तो ये कुल मिला के 4 जो है वो कंपोनेंट है और एक जो है वो PCB एंड वायर्स है जस्ट। ठीक है, अब हम स्केमेटिक देखते हैं कि स्केमेटिक कैसा होगा इसका। तो ये है इसका स्केमेटिक जो मैंने बनाया है। तो UM66 IC जिसके अंदर 3 लेग्स हैं, ठीक है, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, जिसमें पिन नंबर 2 जो है वो पॉजिटिव वायर है, पिन नंबर 1 जो है वो नेगेटिव वायर है, और पिन नंबर 3 जो है ये क्या है, आउटपुट। यहाँ से म्यूजिकल नोट्स निकलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही पिन नंबर 2 पर आप पॉजिटिव देते हैं 9 वोल्ट्स, और पिन नंबर 1 पर नेगेटिव देते हैं, पिन नंबर 3 से आउटपुट होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक 1 किलो ओम के रेसिस्टर से होता हुआ कहाँ जाता है, BC187 के बेस पर। ये बेस पिन है, बेस पर जाता है। जैसे ये बेस पर जाता है, एमीटर से नेगेटिव सिग्नल कहाँ चला जाता है, कलेक्टर पर, और कलेक्टर से स्पीकर पर आ जाता है एम्पलीफाई होकर। तो ये ट्रांसिस्टर यहाँ पर एम्पलीफायर का काम कर रहा है। ठीक है, किसका काम कर रहा है, ये एम्पलीफायर। ठीक है, प्लस वोल्टेज हमने पहले ही स्पीकर को दिया हुआ है, तो स्पीकर से क्या होता है, एक म्यूजिकल टोन निकलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो UM66 IC जब लेंगे वो देखने में आपको एक ट्रांसिस्टर की तरह लगेगी, बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल ट्रांसिस्टर होता है। ठीक है, उसकी तरह आपको लगेगी। मैं आपको ट्रांसिस्टर दिखा देता हूँ, ट्रांसिस्टर कैसा होता है। ट्रांसिस्टर कुछ इस तरीके से होता है, ये मान के चलिए ये ट्रांसिस्टर है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मान लेते हैं कि ये UM66 है, बिल्कुल देखने में ऐसी होगी। तो ये पिन नंबर 1, ये वाला पिन नंबर 2 और ये वाला पिन नंबर 3 फ्लैट साइड अपने साइड रखेंगे, अपने सामने रखेंगे। तो मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। अगर मान के चलता हूँ ये UM66 IC है, तो ये पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 2 है और ये पिन नंबर 3, 1, 2, 3। तो ये प्लस वोल्टेज, ये माइनस वोल्टेज, और यहाँ से क्या होगा आपका, आउटपुट। तो नॉर्मली आपको PCB पर क्या करना है, इसको यहाँ पर सोल्डरिंग कर देना है, जैसे मैंने किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर सोल्डरिंग की है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक IC दिखा देता हूँ अगर आपको नंबर शो हो। तो देखिए UM66 यहाँ पर लिखा हुआ है, FL66T। ठीक है, ये UM66 ही है, ज़रूरी नहीं है आपको UM मिले FL मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 66 नंबर होना चाहिए। तो UM66 IC है। तो ये देखिए पिन नंबर 1 मैंने ट्रांसिस्टर के किससे जोड़ा है, यहाँ पर देखिए एमीटर से जोड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने जोड़ा हुआ है,
पिन नंबर वन इसके एमीटर से जुड़ा है, तो मैंने इसी तरीके से पिन नंबर वन इसके एमीटर से जोड़ दिया। ये रेसिस्टर देखिए इसके पिन नंबर टू से जुड़ा हुआ है, सॉरी पिन नंबर थ्री से जुड़ा हुआ है, और थ्री से ये कहाँ जा रहा है, ट्रांसिस्टर के बेस पर। ये देख रहे हैं, ये देखिए ट्रांसिस्टर के बेस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है रेसिस्टर। और फिर ये वाला जो पिन है ये आउटपुट का पिन है, ये वाला ये पिन आउटपुट है जो कि कहाँ जा रहा है, स्पीकर पर जा रहा है। और स्पीकर का दूसरा ये वाला वायर जो है ये कहाँ जा रहा है, आईसी की पिन नंबर टू पर जा रहा है। और पिन नंबर टू को हमने क्या किया, पॉजिटिव, सेम इसकी तरह, ठीक है। तो आपको नॉर्मली ये स्केमेटिक डिज़ाइन करना है पीसीबी पर, और एक बहुत ही अच्छी जो है वो डोर बेल आपकी बन जाएगी। ये देखिए अगर आपको इसके कंपोनेंट्स मार्केट में नहीं मिलते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप मैं अमेज़ोन का लिंक यहाँ पर दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।